नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीन स्टॉक के बारे में, जहां पे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नियर टर्म में उन लोगों का टारगेट क्या रहेगा, उन स्टॉक्स का टारगेट क्या रहेगा। आपको टारगेट बताए जाएंगे, स्टॉप लॉस बताए जाएंगे, साथ ही साथ अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखने हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे शेयर हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी वहां पे पैसा बनने वाला है। तो स्विंग ट्रेडिंग से किस तरह से बेनिफिट उठाया जाए, लेकिन एक चीज है ये मैं बताना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्टॉप लॉस इन स्टॉक्स में रहेगा। तो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली लिए चलता हूं आप लोगों को पहले स्टॉक की तरफ। पहला जो मैंने स्टॉक इसमें चूज किया है, स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग दोनों चीजों के लिए, फेडरल बैंक मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। फेडरल बैंक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्या करता है बैंक है ये, एक आप लोगों को पता है छोटा बैंक, और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे अच्छा दिखाई दे। अभी करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 53 रुपए 45 पैसे का। जी हाँ, 53 रुपए 45 पैसे का, 10,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और राकेश झुंझुनवाला जी, जिनको कि बिग बुल कहा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, उनके पास भी इसके शेयर हैं। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 6 का स्टॉक का पी चल रहा है, काफी नीचे है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा दे रहा है शेयर, 2.62% का। लेकिन वहीं ध्यान देने लायक बात यह है कि 1,43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इसके ऊपर डेट हैं। कैश इक्विवेलेंट की अगर बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास यहाँ पे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है। और अगर 5 सालों की बात की जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.5% के करीब, और 9.5% से ज्यादा का है रिटर्न ऑन इक्विटी का 5 सालों का एवरेज। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे इस बैंक की लगती है वो इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, छोटा सा बैंक है, सेल्स ग्रोथ इसकी है 14% के करीब, और प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों लगभग 38-39% के करीब। मिड कैप स्टॉक और इतने अच्छे इसका प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ है 3 सालों का। तो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि कितनी अच्छी स्थिति में ये बैंक है, राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ये है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप छोटे छोटे अमाउंट में इसको बाय करते रहिए, लंबे समय तक आप इसको अपने पास रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जिनको कि स्विंग ट्रेडिंग से फायदा लेना है, उन लोगों को कहाँ पे इसे बाय करना है, बाय कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसे करंट प्राइस पे आप इसको बाय कीजिए, और इसका टारगेट अगले हफ्ते आने वाला जो सोमवार से शुक्रवार है उसके लिए इसका टारगेट आप लोग लेके चलिए 60 रुपीज का। तो 60 रुपीज का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट में टर्मोइल होता है, भाई स्विंग ट्रेडिंग का यही है, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52 रुपए 50 पैसे का। जी हाँ, 52 रुपीज 50 पैसे का आप लोग स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 60 रुपीज का टारगेट लेके चलिए सोमवार से शुक्रवार के लिए आने वाले। आज की डेट है 27 जून 2020, जब मार्केट खुलेगा 29 तारीख को, उसके बाद की कहानी ये मैं कह रहा हूँ 29 जून 2020 से। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसके टारगेट बता दिया आपको, स्टॉप लॉस बता दिया, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको खरीदते चले जाइए और लंबे समय तक आप इसको अपने पास रखिए। तो पहला स्टॉक फेडरल बैंक लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। डे बाय डे आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट है किसके पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ाती चली जा रही है, तो इसका बेनिफिट किसको होता है भैया? आप लोगों ने कभी अंदाजा लगाया? जितनी भी ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं उनको इसका फायदा होता है। तो यहाँ पे BPCL जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको काफी बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था BPCL के ऊपर, और काफी कम प्राइस पे बनाया था, मुझे प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन लोगों ने काफी अच्छा मुनाफा वहां पे कमाया। बेस्ट गवर्नमेंट स्टॉक और बेस्ट PSU स्टॉक कैटेगरी में मैंने इसको रखा था। 393 का भी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। करंट जो स्टॉक का पी चल रहा है 19 के अराउंड चल रहा है। अगर देखा जाए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 18% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, काफी अच्छा।
डिविडेंड यील्ड देखो, सरकारी कंपनियों में आप लोगों को पता है डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है और एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाती है डिविडेंड यील्ड जब हम लोगों को यहाँ से मिलती है। तो डिविडेंड यील्ड 4.83% की है, तो लगभग 5% की जहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है आज की डेट में, फिक्स डिपोजिट में भी लगभग 5% के आसपास ही बैंक दे रहे हैं। तो भैया जब यहाँ हमें शेयर मार्केट से ओनली 5% केवल किससे मिल जा रहा है, डिविडेंड से मिल जा रहा है, तो क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए और अपने कैपिटल को एप्रिशिएट करवाया जाए। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 3 सालों की, तो 16% की है, काफ़ी अच्छी है। और अगर 5 सालों का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज देखा जाए तो 26% का, और 5 सालों का एवरेज देखा जाए अगर ROCE का तो 21% का है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों की माइनस में है, तो माइनस का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव में इसका रिटर्न आ गया, नेगेटिव में इसका प्रॉफिट आ गया, नहीं। पिछले सालों से इस साल कंपेयर किया जाए तो माइनस में आया है, इस तरह से इसको रीड करना है। डेट कंपनी के ऊपर 61,000 करोड़ रुपए का है, कैश इक्विवेलेंट 1,165 के हैं। प्रमोटर की अगर होल्डिंग देखी जाए तो 52% से ज़्यादा की, और सरकार यहाँ पे प्रमोटर है, आप लोगों को पता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ये स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और लेकिन कई लोगों को, कई व्यूअर्स को क्या चाहिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए और शॉर्ट टर्म में उनको पैसा बनाना है, और इस तरह से कमेंट करते रहते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना मुश्किल भी है, साथ ही साथ रिस्की भी है। तो अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग पे आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे मैं बताता हूँ आपको कि कहां पे आप लोगों को इसका टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले तो इसका जो टारगेट है, टारगेट रहेगा 405 रुपए से लेकर 410 रुपए आगे आने वाले हफ्ते में, यानी कि 29 जून से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वहां से लेकर जुलाई की मतलब शुक्रवार तक, जो पहला शुक्रवार आएगा 5 दिनों के लिए, तो 410 तक का टारगेट इसका हिट हो जाएगा। 393 से काफी अच्छा खासा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 373 रुपए के आसपास आप लोगों को इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मतलब पहला जो स्टॉप लॉस रहेगा 373 के आसपास इसका पहला स्टॉप लॉस रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए तो जितना मर्जी चाहे इसको आप खरीदते चले जाएं, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट देंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सेकंड शेयर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो शेयर है लॉन्ग टर्म एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दोनों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड पे मैंने वीडियो तब बनाया था जब ये 163 रुपीज़ पे आया था, 163 रुपीज़। जी हाँ, आप लोगों को अगर याद होगा, कई सारे व्यूअर्स ने देखा भी होगा, तो 163 रुपीज़ पे उन लोगों ने देखा होगा। ITC इतनी बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे टोबैको से ये FMCG सेक्टर में चलती चली जा रही है, और पीछे इसने बहुत सारी डील की थी, और सारी डील के ऊपर मैंने वीडियो बना बना के आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ा, 2,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अगर करंट प्राइस देखा जाए तो 195 का, जैसे मैं कह रहा हूं 163 रुपए पे मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो वहां से लगभग 32 पॉइंट का बेनिफिट हो गया है लगभग 2 महीने में। 2 महीने पहले भी वीडियो नहीं बनाया होगा मैंने, मुश्किल से 1.5 महीने पहले, मतलब आज से लेकर 40 से 45 दिन पहले। तो 35 पॉइंट का अगर रिटर्न आप लोगों को मिल जा रहा है 30 दिनों में ही, बहुत अच्छी बात है। ITC हाल ही में इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव थे। अब इसका जो आगे आने वाला टारगेट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस भी, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 34% से ज्यादा का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से ज्यादा का, स्टॉक का PE 15, तो बाइंग रेंज में है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे बहुत अच्छी मिल रही है, 2.95% की। हाल ही में इसने अराउंड 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो 195 का अगर आप शेयर बाय करते हैं और 10 रुपये आपको डिविडेंड में ही मिल जाएंगे, तो आपका शेयर कितने का रह गया, 185 रुपये का रह गया। तो डिविडेंड का भी आप लोग यहां पे फायदा उठा सकते हैं। डिविडेंड की डेट के लिए जो एक्स डिविडेंड डेट है, गूगल में एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो ये तो इसका डिविडेंड की डेट रहेगी। डेट फ्री ये कंपनी है, देख लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी, मात्र 9.5 करोड़ रुपए का डेट है। कैश इक्विवेलेंट देखा जाए तो कैश रिच कंपनी 3,788 करोड़ रुपए की। लार्ज कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों की देखी जाए तो 10% की, और वहीं पे अगर बात की जाए इसके 5 सालों के ROCE के एवरेज की तो 37%, और 5 सालों का ROE का एवरेज
24% का है, बहुत हाई है। एक लार्ज कैप कैटेगरी में लार्ज कैप कंपनी के इतने अच्छे रेशियोज आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियों क्या होती हैं, धीरे धीरे उनका जो एक्सपेंशन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी ग्रोथ अभी भी जारी है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। बाय कीजिए, एक्युमुलेट करते रहिए अपने पास, जैसे लोगों को फायदा हो गया आगे भी फायदा होता रहेगा आईटीसी लिमिटेड में। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो आगे आने वाला हफ्ता है उसके लिए क्या टारगेट रहेंगे, सबसे पहले तो जो आगे आने वाला हफ्ता है उसके लिए जो पहला टारगेट रहेगा, अभी 195 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट इसका रहेगा 225 आगे आने वाले हफ्ते में, दूसरा टारगेट रहेगा 232, मतलब पहला 225 दूसरा 232। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को ध्यान रखना है स्टॉप लॉस। तो पहला स्टॉप लॉस आप लोग लगा के चलिए 184 का स्टॉप लॉस लेके चलिए आप लोग, और दूसरा जो रहेगा स्टॉप लॉस 170 का। तो ये दोनों स्टॉप लॉस आप लोगों को लेके चलने हैं। आप लोग कर क्या सकते हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप लोग क्या करें कि भैया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचें इन कंपनियों में, लॉन्ग टर्म के लिए इनको एक्यूमुलेट करते चलिए। तो ये ऐसी कंपनियां हैं, तीनों की तीनों कंपनियां जो मैंने आप लोगों को बताई, BPCL, फेडरल बैंक एंड ITC, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म में पैसा बना के आप लोगों को देगी, और पैसा तो यहाँ जरूर बनेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।